I've fallen in love with I Love. I love. Él vole, wow. Get me the files. Sir, ready है sir. सभी लोग आ चुके हैं ना? All team ready sir. देश में टैक्स चोरी की समस्या बढ़ती जा रही है, इसी वजह से हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, और अपनी ये जिम्मेदारी हमें ईमानदारी और लगन के साथ पूरी करनी होगी. किसी के भी दबाव में आने की जरूरत नहीं है. देश को धोखा देने वालों को सजा मिलनी ही चाहिए. के चंद्रप्पा, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर, डॉलर्स कॉलोनी. और जब तक उनके यहाँ रेड नहीं पड़ जाती, दिस मिशन शुड बी टॉप सीक्रेट. प्लीज कीप इट कॉन्फिडेंशियल. फॉलो मी. यस सर. यू आर मिस्टर के चंद्रप्पा? यस. वी आर फ्रॉम लोकायुक्त. और आप पीडब्ल्यूडी में चीफ इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं, एम आई राइट? एग्जैक्टली. आपकी सैलरी 25,000 रुपीज है और हाल ही में आपको प्रमोशन मिला है. हाँ सर. तो उसके हिसाब से आपकी सैलरी होगी 36. हाँ सर. या और अभी आपकी ये सैलरी देखकर लगता है कि पिछले 4 सालों में लगभग 5 से 10 लाख की प्रॉपर्टी बनाई होगी. वो मेरे ससुर जी की तरफ से मेरी बीवी को दहेज में आई हुई जायदाद. ना, लेकिन देखने के हिसाब से ये सारी प्रॉपर्टी दहेज की नहीं लग रही है. अभी मुझे आपके रूम और तिजोरी की चाबी चाहिए. इस सब से आपको क्या करना? जितना बोला उतना कर, समझा? लक्ष्मी जी. यस सर. चाबी चाहिए. दो मुझे. सर बैठ जाइए. ठीक है सर. बैठ. याद हो, कम ऑन. फॉलो हर. यस सर. सुनिए, ये सब क्या है? क्या चल रहा है? हिम्मत रखो, हिम्मत रखो. रुक जाओ बेटा, रुको. नहीं नहीं. अरे ये तो भगवान की किताब है, इसे छोड़ो. छोड़ छोड़ो. हे भगवान. भगवत गीता भी पढ़ते हो? हाँ, सुपर. कम ऑन बॉयज, पैक एवरीथिंग. मैं पर्सनली आपसे कुछ बात कर सकता हूँ क्या सर? सर क्या है? सर वो मैं ये कह रहा था कि आप क्या कह रहे थे? 2 करोड़? ये तो बहुत कम है. इडियट. मेरे घर की सारी दौलत चली गई. कौन है तुम लोग? मैं लोकायुक्त हूँ. लोकायुक्त? अभी अभी कुछ लोग लोकायुक्त का नाम लेकर सारे डॉक्यूमेंट्स, पैसे और सोना सब कुछ लेकर चले गए, तो वो लोग कौन थे? वो कोई चोर होंगे. सुनो है? मैं हूँ ओरिजिनल लोकायुक्त. ए, क्या मजाक कर रहे हो? मजाक तो तुम कर रहे हो. ऑफिसर्स मूव. कृष्णा, अपने लड़कों को पैसे पहुँचा दो. श्योर सर. लोकायुक्त ऑफिसर श्रीनिवास. सर, मेरा पैसा अभी तक नहीं मिला मुझे. आई एम सॉरी श्रीनिवास, आधे घंटे में तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास पहुँच जाएगा. अभी तक नहीं आया, टाइम भी हो गया है. हाँ, इतना इंतजार करेंगे. नमस्कार. 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 आइए. नमस्कार. ये एयरपोर्ट की चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर. हाँ, है अनुष्का फर्नांडिस. नमस्ते. इनके सपोर्ट से हमारा सामान हमें बिना परेशानी के मिल जाता है. इनका सामान दे दीजिए. थैंक यू. थैंक यू. वी नीड सेम कोऑपरेशन इन फ्यूचर आल्सो. श्योर सर. मुझे दिखाना. थैंक यू सर, मैं चलती हूँ. वाह 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 वाह. ये रहा तुम्हारा हिस्सा. थैंक यू सर. मस्त माल है. कौन है आप लोग? पुलिस में कंप्लेन कर देंगे. हमारा नाम सुनने के बाद पुलिस तुम्हारी कंप्लेन नहीं लिखेगी, तब तुम लोग क्या उखाड़ लोगे? ए देवा, भर ले रे साहब. नहीं नहीं, ये मेरा ही. आज राहु काल कितने बजे है? आज गुरुवार है, 1:30 से 3 बजे तक. लेकिन आप कौन है? राहुल.
गंगाधर कृष्णा, पैदा होने के टाइम मेरे बाप ने मेरा यही नाम रखा था और गोली कृष्णा, धंधे में मुझे लोग इसी नाम से जानते हैं। जीके, ये नाम पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा मुझे दी हुई उपाधि है। हाँ? क्यों नाम सुनकर शौक लगा? हाँ बॉडी के सारे दरवाजों से धुआं निकलने लगा क्या? और सुन, आज इसी राहुकाल में तेरी दुकान का सारा माल मेरे ठिकाने पर आ जाएगा। हेलो हेलो सत्या। यस कैप्टन। तुझे एक ऑपरेशन पर जाना पड़ेगा। लड़कों को जाकर तैयार कर। हेलो पुलिस स्टेशन सर। बोलिए जयप्रकाश। सर आज जी के 1:30 से 3 बजे के बीच एक ज्वेलरी शॉप को लूटने वाला है, ऐसा उसने चैलेंज किया है। सर मुझे एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए, अगर आप मुझे परमिशन दें तो। कितनी बार मैंने परमिशन दी है लेकिन रिजल्ट क्या आया? 0। पता है सिर्फ तुम्हारी लापरवाही की वजह से पूरे डिपार्टमेंट के सामने मुझे बेइज्जत होना पड़ा। पता है सर, बट इस बार ऐसा नहीं होगा। तुम पर कैसे भरोसा कर लूं? प्लीज सर एक चांस दे दीजिए। दूंगा लेकिन अगर फेल हो गए, किसी की जान को नुकसान हुआ तो मैं सस्पेंशन ऑर्डर दे दूंगा। नाउ यू कैन गो। थैंक यू सर। नमस्ते सर। हाँ, आप यहाँ शॉप के ऑनर? हाँ सर। फोन पर नकली जेवर मंगाने के लिए कहा था। मंगवा लिया है सर। डोंट वरी, तुम्हारी दुकान से एक टुकड़ा सोना भी चोरी नहीं होने दूंगा मैं। ठीक है सर। चलिए सोने के बॉक्स दिखाइए। सर ये सभी नकली जेवर है? जी सर ये सभी जेवर नकली सोने के। गुड, इमीडिएट ये सारे के सारे वहाँ शिफ्ट कर दीजिए और ओरिजिनल सारे बक्से में। ठीक है सर। कॉन्स्टेबल्स ये सब कुछ यहाँ से पुलिस की निगरानी में जाएगा। ठीक है सर। इसे कहाँ पहुँचाना है आप बताइए। नर्मदा नगर में मेरा फार्म हाउस है। ओके फाइन, साथ में किसी भरोसे वाले आदमी को भेजिए। जमनलाल। कहाँ है तुम्हारा जीके? राहु काल खत्म होने से पहले वो तुम्हारी दुकान लूट लेगा कहा था। राहु खत्म होकर केतु काल भी शुरू हो गया, पता ही नहीं है उसका। फोन कीजिए उसे। क्या जीके, कहा था मेरी दुकान लूट लेगा? तेरी दुकान में जो नकली सोने के जेवर हैं, वो किसे चाहिए? ये क्या बकवास किए जा रहा है तू? उस पुलिस वाले को फोन दे। हेलो जीके। हाय ऑफिसर। तूने जो ओरिजिनल जेवर पुलिस के हाथ भेजे थे वो सारे मेरे कब्जे में आ चुके हैं और मेरे लड़के उन्हें गाड़ी में डाल के मेरे फार्म हाउस की तरफ ले जा रहे हैं। अगर तू चाहे तो कैच इफ यू कैन। व्हीकल नंबर KA35M4455। हम अपने कैप्टन को देंगे तो पूरी बोतल मिलेगी हमें। हेलो, कहाँ पहुँचे तुम लोग? 3 लोग ऑन द वे टू हॉस्पिटल हैं, 2 शमशान की ओर और 1 जो बचा है वो तुझे इन्फॉर्मेशन देने आ रहा है। रागिनी यूफ। कई लोग इंसान को देखकर पहचानते हैं लेकिन तूने तो मेरी आवाज़ से मुझे पहचान लिया, मिस्टर जी के। रागिनी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आई विल किल यू। Kicking the flow, don't you know Bobby Joe? When I come around, I get down to the hip bounce sound. Kicking the flow, don't you know Bobby Joe? When I come around, I get down to the hip bounce sound.
क्या बात है। जीके जो खेल खेलता है ना, कभी कभी उस पर पानी फेरने में बहुत मजा आता है। हमारे हाथ से ये आइटम निकल जाने के बाद सही सलामत हम तक पहुंचाने वाली कोई और नहीं है, वन एंड ओनली रागिनी। ब्यूटी विद ब्रेन। तुझे वहां किसने जाने के लिए कहा? रूल्स बनाने वाले परमिशन नहीं मांगते, सीधा करते हैं। तुझे मेरी तकलीफ दिखाई नहीं देती, बोल। ऐसा है तो मुझे समझ लो। मांस खाने वाली शेरनी को तुम बकरी की तरह घास चरने को कहोगे तो वो चरेगी। क्या ही? गन। ये और मैं दोनों एक जैसे हैं। जानती हूँ, दोनों के सामने जो भी आता है वो बचता नहीं है। इसमें इस वक्त बुलेट भरी हुई है और अब ये खाली है। नो बुलेट नो वैल्यू। जैसे गन में बुलेट होती है ना, वैसे ही तू मेरी जान है। अगर तू नहीं है तो मैं नहीं हूं। देख, मैंने मम्मी डैडी को मरते हुए वचन दिया था कि मैं तुझे रानी की तरह रखूंगा। मैं तो अभी भी रानी ही हूँ। वो तो तू है ही। देख, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तू महारानी की तरह मुकुट पहनकर सिंहासन पर बैठना। ये सारे काम हम पर छोड़ दे, ये खून खराबा हम संभाल लेंगे। ब्रदर, ये गांव हमारी जान है। वो जानता हूँ मैं। देख, हमारे दादाजी गांव के मुखिया थे और वो पुलिस के हाथों कभी नहीं फंसे। लेकिन हमारे पिताजी पूरे जिले को जेब में रखते थे, फिर भी पुलिस ने उन्हें एनकाउंटर में मार दिया। और मैं नहीं, हम। तू इससे दूर रहना। तेरी उम्र की लड़कियां टेंशन को साइड में रख के अपनी जिंदगी को एंजॉय करती हैं। तू भी ऐसा ही करना। ये बात अगर तुम किसी और लड़की से कहते ना तो वो खुशी से झूम उठती, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ। बच्चे हमेशा खिलौनों के साथ खेलते हैं, लेकिन मैंने हथियारों के साथ खेला है। अगर कोई गुर्राना सीख जाए तो वो शेर नहीं होता। शेर गुर्राता है अपनी मौजूदगी बताने के लिए और पंजे से वार करता है शक्ति दिखाने के लिए। हे, ये क्या कर दिया तूने? लड़ाई में ये सब तो होगा ही, हथियार निकालना पड़ता है, खून बहाना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है। हम इंसान हैं तो खून ही बहेगा। मैं कोई सीजनल फ्रूट नहीं हूँ जिससे जूस निकलेगा। ब्रदर, हमारे फील्ड में सेंटीमेंट्स के लिए कोई जगह नहीं, और अगर इमोशनल हुए तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। अच्छे से समझ लो तुम। भाई अथू, खड़ा हो जा। धोखेबाज है तू। मैंने क्या किया भाई? तूने मेरे तीन लड़कों को लुड़का दिया है ना भाई? भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, मेरे द्वारा चलाई गई गोली से आपका एक भी आदमी नहीं मरा। वो तो रागिनी के गैंग ने आपके लोगों को मारा है भाई, और मैंने तो उसके लोगों को मारा है भाई। इंस्पेक्टर, फोकट की बकवास बंद कर, जिस काम के लिए यहाँ आए उसे ले और निकल। देखो भाई, आपका भाई मुझे क्या बोल रहा है। कमिश्नर साहब की नजरों में आप दोनों के गैंग आ गए हैं। आप दोनों की दुश्मनी बढ़ाकर आपस में लड़वा कर मरवा देने का प्लान तैयार किया है भाई। इस बारे में मिनिस्टर लेवल तक बात हो चुकी है। और भाई, लास्ट मंथ आपके लड़कों का एनकाउंटर किया था ना उस मल्लिकार्जुन ने, उसे मैंने खुद अपने हाथों से एनकाउंटर कर दिया। भाई, मैं आपका एहसान चुकाने के लिए जिंदा हूँ। चल पट। थैंक यू भाई। भाई भाई, मेरी बात सुनिए भाई, लास्ट मंथ आपके लड़कों का एनकाउंटर करने वाले उस मल्लिकार्जुन को मैंने मार दिया भाई। ए पुलिस, तुझ पर हम विश्वास करेंगे। मैं जानती हूँ तू जूठा खाने वाला कुत्ता है, कचरे के डिब्बे में फेंका हुआ भी खाएगा और थाली में परोसा हुआ भी। कुत्तों में अनेकों जातियाँ होती हैं, सब में एक चीज कॉमन है, वफादारी। उसे बचा कर रख वरना।
क्या कर रही है? हमारे जिन लड़कों का तूने एनकाउंटर किया है ना, उस तरह के लड़के हमें और भी हजारों मिल जाएंगे। लेकिन तुझ जैसा कमीना इंसान शायद ही इस दुनिया में कोई दूसरा हो। भाई, 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 आपकी सिस्टर को समझाओ भाई, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ भाई। ये अपने दुश्मन को तो माफ कर सकती है, पर धोखा देने वाले को कभी माफ नहीं करती है। मैं भी तो इंसान हूँ ना भाई, कभी कभी गलती हो जाती है। लेकिन ये इंसान नहीं है, चंडी है, चबा जाएगी। हे कृष्णा सर भाई, चल जा। चलता हूँ भाई। ए भाई, भाई ये क्या है भाई? ये ले। चल निकल, ओवरएक्टिंग बंद कर। इसे छोड़कर गलती की। देख, एक कांस्टेबल को एमएलए ने मारा तो पूरा डिपार्टमेंट एक हो गया। अगर इसका मर्डर किया तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तू इतनी जल्दी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाएगा, मैंने सोचा भी नहीं था जीके। अगर इंसान को अपनी जिंदगी से लगाव है तो सब कुछ स्वीकारना पड़ता है, है ना ब्रदर? ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, तेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए जान की कीमत नहीं है, जंग में जीतना जरूरी है, क्योंकि हम हारने वाले कुत्ते को घर के दरवाजे पर भी नहीं बांधते। गौरित देखो, हमारे झगड़े का फायदा यहाँ की पुलिस उठा रही है, इसीलिए मैंने एक फैसला लिया है, जहां हम जाएंगे वहां तुम नहीं आओगे। ए! आवाज नीची रख, आराम से बैठ। हम जहां एक बार कदम रख देते हैं वापस नहीं लेते, अपना रास्ता बदल ले, इसी में तेरी भलाई है। अच्छा, तो अब तू मुझे रोकेगा? हाँ? कुत्ता चाहे कितना भी गुर्रा ले, वो कभी शेर नहीं बन सकता। बोला मत, शेर की भी एक उम्र होती है, उसका भी वक्त आता है, और उस वक्त यमराज के रूप में शिकारी होगा या शिकारी के रूप में जीके होगा। अगर यमराज आएगा तो भगवान समझकर सर झुकाऊंगी, लेकिन अगर तू होगा तो तेरा सिर काट कर ब्रदर के पैरों पर रखूंगी। श्रीधर, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। ये तो तुझसे भी बुरी है। तो ये डील कैंसिल? डील होगी, लेकिन आवाज नीचे। ओ जीके इज कूल नाउ, जीके इज वेरी कूल, आई एम कूल। रागिनी, तुम लोग जो डील करोगे उसके बीच में मैं नहीं आऊंगा, और मैं जो डील करूंगा उसके बीच में तुम नहीं आओगे। ओके, सो आज से, फ्रॉम टुडे, नो एनिमिटी, ऑल यूनिटी, एम आई राइट रागिनी? ओके, लेट्स गो कूल। ओके, let's celebrate. Yeah, this calls for a celebration. Yes, of course. Let's go. Yeah. Open it. Dear friends, पार्टी में मजा आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। Enjoy. Yeah. Okay. आज के बाद हर डील 50-50. Okay, पक्का. Yeah. Bro. 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 तो कैसा लगा? मुझे पता था तू एक बाप की औलाद नहीं है। ओहो, लेकिन इस वक्त मुझे गुस्सा आ रहा है अपने आदमियों के ऊपर। तू धोखेबाज होगा ये मुझे पता था, सिर्फ भैया के कहने पर इस डील के लिए हाँ कहा था। सिर्फ भैया के कहने पे हाँ किया था, भैया के कहने पे हाँ किया, भैया के कहने पे हाँ किया। ए, क्या देख रहे हो? मार डालो इन्हें।
नहीं जाऊंगी। भाग जाइए, मार देगा तुझे। नहीं जाऊंगी भैया, आपको डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। मना मत करो भैया, प्लीज प्लीज भैया प्लीज चलिए। भैया 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 कैसी आवाज थी? कोई बॉडी गिरी या सब्जी? ए, कुड़कुड़ करके क्यों चिल्ला रहा है? तेरे सर पे तो नहीं गिरा है ना? चुपचाप सो जा। ठीक है बॉस, जाने दो। अरे काई को फोकट में गाली देके अपना मुंह खराब कर रहे हो यार, चलो ना। गाड़ी है वहाँ। अरे क्या भाई, आप लोग हिसाब किताब कर दिया करो। ठीक है भाई। क्या कर रहे हो तुम? चाय बाद में पीना, पहले लोडिंग करो जाकर। फॉलो मी। ठीक से काम करो, पॉकेट में पगार चाहिए क्या? ए, सुनो, जो जहाँ है वही खड़े रहो। बीच में टांग नहीं अड़ाओ, जाओ अपना काम करो। चलो, एक मुट्ठी भी रेत निकाली ना तो तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा। ऑफिसर, उस ट्रक की चाबी ले लो। इसके भी सबको नीचे उतारो, इसे भी उतारो। चाबी दे इसको, बताना यहाँ इसके जैसे ऑफिसर कितने आए कितने चले गए, और आज तक हमारे मालिक को रोकने की हिम्मत किसी ने नहीं की। तुम लोग अपना समय खराब मत करो, जाओ काम करो। इधरा क्या बोला? हम यहाँ तेरे मालिक रेत माफिया का गुणगान सुनने नहीं आए हैं, उसे रेत में दफन करने आए हैं। मेरे रहते हुए ये सब नहीं चलेगा, इधर लाओ। मालिक का नाम बोल। नंजेगौड़ा। एड्रेस बता। नमस्कार सर, आप एड्रेस पूछ रहे थे ना? मैं ही हूँ नंजेगौड़ा। ये सब इल्लीगल है। ऐसा है क्या? सर, आपको जिस चीज की जरूरत है बताइए ना, गारंटी है हम आपको वो चीज देंगे। लेकिन ये कानून की नजर में गुनाह है। किस कानून की बात कर रहे हैं सर? आप लोग रेती निकालने के लिए मना करते हैं, सरकार क्या करती है? लॉटरी निकालती रहती है, प्लॉट बनाने की परमिशन देती है, बैंक वाले बुलाकर कर्ज देते हैं। अब बताइए, ऐसे में लोगों का घर कैसे बने? बेचारे वो सब लोग अपने काम को आधे अधूरे में छोड़ देते हैं। भरोसा ना हो तो पूछ लीजिए। अब हम भी अपना काम आधे में ही रोक दें क्या? मैं यहाँ तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं आया हूँ। अरे तो और आपको क्या चाहिए बताइए ना, हम आपकी सेवा करेंगे। शादी हो गई है क्या आपकी? अंगूठी तो नहीं है हाथ? तुम्हें इससे क्या मतलब है? कोई बात नहीं, एक काम कीजिए, अभी आप एक हफ्ते के लिए हनीमून पर चले जाइए। हाँ, बीवी के साथ बाहों में बाहें डालकर घूमेंगे तो सारी टेंशन हवा हो जाएगी। हाँ, मैं आपके लिए दो टिकटें बुक करा देता हूँ, जाकर मजा करके आइए। ए, तुझे ये सब मजाक लग रहा है? कानून के साथ खेलने में बहुत मजा आता है ना तुझको, लेकिन आज तक तेरा पाला मेरे जैसे ऑफिसर से शायद नहीं पड़ा होगा। अगर तू मेरे साथ उलझने की कोशिश करेगा तो तेरी ऐसी हालत करूंगा ना कि तेरी आंखों से आंसू नहीं, खून बहेगा खून। सरकार अगर पीछे पड़ती है तो सिर्फ 5 साल का वनवास, लेकिन अगर कोई ऑफिसर तेरे पीछे पड़ गया तो पूरी जिंदगी भर का अज्ञातवास। ऐसा है? अगर तेरे माँ बाप भी दूसरा जन्म लेकर अपने बेटे नंजे गौड़ा को ढूंढेंगे ना तो उन्हें भी तेरा नामो निशान तक नहीं मिलेगा। बाप रे। You better understand and follow the rules. You bloody bastard. Bastard? ए बसवा, साहब ने जो ये अंग्रेजी में बोला इसका मतलब क्या है? आपको वो कमीना कह रहा है बॉस। मिट्टी डाल दो इस पर।
नंजगड़ा नहीं, मेरे साथ खेल खेलेगा, उसे खून निकालेगा, डालो मिट्टी। ये चैलेंज करता इतना बड़ा है तू, अब जीते जी समाधि बनेगी तेरी। साहब जी कहाँ? हाँ, कौन चिल्ला रहा है? ओम त्रयंबकम यजामहे शिवाय। अरे अरे रुक रुक, चिल्ला क्यों रहा है? वो अंदर बैठकर पूजा कर रहे हैं, क्या बात है? ये बात मेरे पेट में रह नहीं पा रही है, मैं साहब को बता कर रहा हूँ। अरे चिंटू क्यों रे, शादी तो तय नहीं होगी ना तेरी? वो जब होगी तब होगी, वो देख लेंगे, लेकिन अभी बात कुछ और है। तो क्या है बता ना। नहीं बता सकता, मतलब नहीं बता सकता। पहले आपको साहब के बगल में खड़ा होना होगा, फिर मैं आप दोनों को बातें बता दूंगा। क्या बात है, तू इतना खुश क्यों नजर आ रहा है? ऐसी कौन सी बात है जो बताने के लिए इतना उतावला हो रहा है? साहब आपकी बेटी नंदिनी आई है। बेटा तुम मजाक तो नहीं कर रहा है ना? ए, तू सच तो बोल रहा है ना? ऐसी बात में झूठ कैसे बोल सकता हूँ? अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप मेरे साथ चलिए। सुनिए जी, अरे लेकिन ये बात है, आप लोग बातें बाद में कीजिए ना, आप मेरे साथ चलिए, देर हो रही है, आइए आइए जल्दी आइए। आइए साहब। साहब मैं आज से लगभग 20 दिन पहले ट्रैक्टर से कुछ सामान आने शहर गया था, और जब मैं ट्रॉली से सामान उतार रहा था तो उसमें से मुझे एक लड़की मिली थी, बहुत जख्मी हालत में थी। मैंने उसे यहाँ लाके भर्ती करा दिया था, लेकिन जब आज सुबह मैं उसका हालचाल जानने के लिए अस्पताल आया तो मैंने उस लड़की की पीठ पर नंदी का टैटू देखा जो बचपन में आपने उसकी पीठ पे बनवाया था। वो देखकर मुझे पता चल गया कि ये आपकी बेटी नंदिनी ही है। ट्रीटमेंट को करेक्टली फॉलो करो डॉक्टर जी। जी कहिए। वो क्या है ना डॉक्टर जी, जो लड़की मैंने यहाँ एडमिट करवाई थी ना, ये उसके मम्मी पापा है, ये यहाँ के जमींदार हैं। नमस्ते। नमस्ते, ये लीजिए, ये मेडिसिन लेके आई है। अच्छा ये लानी है? हाँ। मैं दवा लेके आता हूँ, आप लोग यहीं पर रहना। हाँ डॉक्टर, हम अपनी बेटी से एक बार मिल सकते हैं? नहीं आंटी, अभी नहीं मिल सकते। क्या ऐसा मत कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। ठीक है, पेशेंट को डिस्टर्ब मत कीजिए, बस 2 मिनट में देख कर आ जाइएगा। हाँ बेटी बड़ी हो गई, कैसे बड़ी हुई बेचारी, मेरी बेटी का क्या हाल कर दिया। बेटी उठ, बेटी उठ जा, बेटी उठ जा। आप क्या कर रहे हो? मैंने 2 मिनट देखकर जाने के लिए कहा था ना, प्लीज पेशेंट को डिस्टर्ब मत कीजिए, बाहर जाइए। नहीं वो बात ये कि बेटी को देखने की। मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर? शी इज परफेक्टली ऑल राइट, अब ये खतरे से पूरी तरह बाहर है, इन्हें 2-3 दिन और यहाँ रहना होगा, उसके बाद डिस्चार्ज दे दूंगी, आप बाहर जाइए। डॉक्टर चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरी बेटी को पहले की तरह ठीक कर दीजिएगा। हाँ। पैसों की फिक्र मत कीजिएगा, मैं पैसे भरूंगा। ठीक है ठीक है। अरे गांव में यही बातें हो रही हैं कि मनप्पा जी की खोई हुई बेटी मिल गई है और वो उसे अपने घर लेकर आए हैं। लेकिन एक बात बता, किसी भी लड़की को अपनी बेटी बनाकर घर लेकर आएंगे तो क्या उनकी बेटी बन जाएगी? अरे दीदी, मनप्पा जी उसे जब हॉस्पिटल से घर लेकर जा रहे थे ना, तब मैंने देखा था, वो बिल्कुल उनकी बेटी नंदिनी की तरह ही लग रही थी। दीदी वो इतने सालों तक कहाँ थी? कहाँ थी किसको पता, छोड़ो ना ये सब। क्या हुआ बेटी, तुम इतने जोर से क्यों चिल्लाई? मुझे ये किसने पहनाया, क्या है ये सब? अच्छा ये, इसे तो मैंने ही पहनाया था। आप लोग कौन हैं हा? और मुझे यहाँ कौन लेकर आया है? अरे बेटी तू नाराज क्यों हो रही है, हम लोग लेकर आए हैं ना। आप
लेकिन क्यों? क्यों मतलब? माँ बाप अपनी बेटी को घर नहीं लाएंगे तो कहाँ लेकर जाएंगे? माँ बाप? बुलशिट! किसके माँ बाप? कौन है आप लोग? क्या बेटी, ऐसे क्यों बोल रही है? आप लोग मुझे मारने के लिए लाए हैं क्या? ये सब ये क्या पहना दिया है मुझे? क्या कर रहे हो? यहाँ को बंदर का खेल चल रहा है, देख। चलो जाओ अपना काम करो। चलो चलो। मुझे ये सब पसंद नहीं। रुको, मैं फिर से पहना देती हूँ। मुझे ये सब पसंद नहीं है। मुझे पैंट शर्ट चाहिए। पैंट शर्ट? बेटा पैंट शर्ट तो लड़के पहनते हैं, लड़कियाँ नहीं पहनती। मुझे वो सब नहीं पता, चाहिए मतलब चाहिए। ठीक है ठीक है, मैं बाद में मंगवा के रखती हूँ, तब तक तो इसे पहन लो। मैं इसे पहनती हूँ, रुक जाओ। बाद में नहीं, मुझे अभी चाहिए। ठीक है मैं अभी मंगवाती हूँ, पर तब तक तो इसे पहने रखो। तुम जैसा कहोगी वैसा ही करेंगे। इसे पकड़ो। कैंपना, गाड़ी निकालो। इसे पहन कर रखना बेटी। क्या हुआ ताई? साहब जी, अगले महीने मेरी बेटी की शादी है। ओ, ये बात है। सुशीला! आती हूँ। देखो तो जरा ये क्या बोल रही, सुनो। नमस्ते मालकिन। मुझे सब याद है, कल आ जाओ, कल देती हूँ। ठीक है, कल आती। ठीक है ताई। हाँ सुशीला, वो गौड़ा पंचायत इलेक्शन के लिए। कपड़े पहनेगी तो गांव में लोग क्या क्या बातें करेंगे। अरे थोड़ा धीरज तो रख, इस घर के और गांव के वातावरण को समझने का मौका तो दे। क्या बेटी, ये फोटो देख रही हो? ये लोग कौन है पता है? अच्छा तो फिर मैं बताता हूँ, ये दोनों तस्वीरें यहाँ के राजवंश की हैं। इनका नाम महाराजा कृष्ण मोहन देव था। इनके समय में मेरे जो दादा थे वो इनके अंगरक्षक हुआ करते थे। क्या सोच रही हो बेटी, इनको देखो, ये राजा कृष्ण मोहन के बेटे जयमोहन हैं। इनके समय में मेरे पिताजी हिसाब किताब किया करते थे, पही लिखा करते थे। और ये रही मेरे पिताजी की तस्वीर। इनके समय में ही अंग्रेजी हुकूमत समाप्त हो गई और राजतंत्र भी खत्म हो गया। आज हमारे पास जो भी है इन्हीं की देन है, ये दौलत, ये जायदाद, सब कुछ। और उसी से हम अपनी जिंदगी खुशी पूर्वक बिता रहे हैं। समझ गई क्या मेरी प्यारी बेटी नंदिनी? मैं नंदिनी नहीं हूँ, रागिनी हूँ। चलो किसी तरह पहुंच तो गया। क्या कर रहा है? पागल कहीं की, चल भाग यहां से। पागल को देख के डर गए ना? डर गए ना? सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे, देखता सब मर जाएंगे। हाँ ठीक है बेटी, सब मर जाएंगे, अब जाओ यहां से। अगर उसने मेरे पैसे नहीं दिए तो उसके घर में जो कुछ भी है, गाय बकरी सब कुछ ले आकर मेरे गौशाला में बांध दो। समझ गया ना? ठीक है मालिक। हाँ, अब तुझे क्या हुआ, तेरा चेहरा ऐसे क्यों उतरा हुआ है? मालिक जी, आपने जैसे मिट्टी में दबा के मार डाला था ना, उस ऑफिसर की पागल बीवी ने आज मुझे डरा दिया था। ए, वो औरत बार बार इस गाँव में क्यों आती है? तुम लोग उसे गाँव से बाहर क्यों नहीं निकाल देते? अरे छोड़िए ये सब, मैं देख लूंगा। आपको एक बात पता है क्या? क्या? नंदिनी। कौन सी नंदिनी? अरे वही मनप्पा की बेटी आ गई है वो। क्या बकवास कर रहा है तू? मारने की क्या बात है? तुझे पता नहीं है मैं पहले से ही मनप्पा के घर की कोई भी कहानी कतई नहीं सुनना चाहता, और उस पर तू उसकी बेटी की कहानी सुना रहा है, और वो भी सफेद झूठ। वो सच में आई है मालिक, मैं अपनी आँखों से देखकर आ रहा हूँ। तू अपनी आँखों से देखकर आया है? दिखने में कैसी है? दिखने में बहुत गोरी है, कुकड़िया जैसी, और उसका शरीर मक्खन की तरह है मालिक। चेहरा सफेद रसगुल्ले की तरह, दोनों गाल सेब की तरह लाल लाल है, आंखें कमल की तरह, और शरीर गन्ने के रस की तरह है। सही कहा आपने, सही है ना? इतनी देर तक जो मैंने कहा और तूने जो भौंका, सब झूठ है। ओ ये सच है मालिक, सच है, सच है, सच है। मैंने तो सच ही कहा था। अगर दोबारा मुझसे झूठ बोला ना तो तेरे मुंह में भीख मांगने के लिए जुबान भी नहीं रहने पाएगी, काट कर फेंक दूंगा। चल निकल यहाँ से। ठीक है, अब आज मुझे मार रहे हैं ना मालिक, लेकिन एक दिन मैं आपको सच दिखा दूंगा। यहाँ से जितनी भी दूर तक तुझे दिखाई दे रहा है ना, वो सब हमारी जमीन है बेटा। ये 6 एकड़ की जमीन हमने गौशाला को दे दी है, वो जमीन जहाँ वो मजदूर काम कर रहे हैं ना, वो हमने मंदिर के लिए दे दी है।
शादी होने के 6 साल बाद भी जब घर में कोई खुशी नहीं आई तो चामुंडा देवी से मन्नत मांगी, तब तेरा जन्म हुआ, तभी से वो जगह हमने मंदिर को दे दी। उधर जो भी फसल उगेगी ना वो सब भगवान के लिए, इस बार जो उत्सव आ रहा है ना उसके लिए। बेटी तुझे ये सब खेत खलिहान पसंद नहीं है क्या? देख बेटी दोपहर होने वाली है, चल खाना खाने के लिए घर चलते हैं। आप जाइए, मैं बाद में आती हूँ। चल ठीक है बेटी। अरे क्या बात है, क्यों लेकर जा रहे हो, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे, छोड़ो। बहुत चला लिया, अब चुपचाप लेकर चलो। ओ फटीचर सोमा, मुझे क्यों उठा कर ले जा रहे हो यार, अरे छोड़ो मुझे वरना शराब दे दूंगा। अरे मम्मी डैडी, अरे अरे बदन दर्द करने लगा रे। नंजे गौड़ा जी, ये सब क्या कर रहे हो आप? जानते हो आपके आदमियों ने मुझे डेड बॉडी की तरह लेटा लेटा कर यहाँ पर लाया, बात क्या है? चल खड़ा हो जा। बोलिए। चुप, सीधे खड़ा हो। क्या हुआ नंजे जी? नंदिनी के बारे में क्या जानता है? नंदिनी? इस पागल को क्या हो गया? आपको नंदिनी के बारे में कुछ नहीं पता? अरे यार अभी पैदा हुए छोटे बच्चे को भी पूछोगे ना तो वो उसके बारे में इतना सारा बोल देगा, और इतने बड़े नंजे जी को उसके बारे में कुछ नहीं पता। नंजे जी, नंदिनी के बारे में और बताने के लिए मुझे एक खंबे की जरूरत पड़ेगी। नंदिनी के बारे में बताने के लिए खंबे की क्या जरूरत है? तो ठीक है फिर ऐसे ही बता देता हूँ। ले टुप्पा 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 टुप्पा। नंजे जी क्या कमाल की चीज है वो, क्या कलर है, क्या पावर है, क्या हाइट है, अरे बापरे उसे देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरी हाइट 2 फीट और होनी चाहिए थी। नंजे जी इस एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ नंदिनी ही नहीं, हमारा पावर स्टार पुनीत राजकुमार भी आता है। नंदिनी मतलब वो नंदिनी नहीं, ये नंदिनी जो है वो मनपा की बेटी है। थू तेरे मुंह में कीड़े पड़े। अरे वो नंदिनी क्या? अरे नंजे जी बेचारी वो लड़की तो बचपन में ही खो गई थी, बड़े होने के बाद मुझे मिली, मैंने खुद जाकर उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, फिर मैंने खुद उसके बाप को जाकर बताया कि ये आपकी बेटी है, और फिर वो उसे अपने घर ले आए। ऐसा है क्या? जरा इधर आ। क्या है नंजी? तो वही उसकी बेटी है, ये तुझे कैसे पता? मुझे कैसे पता? क्योंकि उसकी पीठ पर नंदी का गोदना था। जिसकी पीठ पर नंदी का गोदना रहेगा वो सारी नंदिनी होगी। छोड़िए नंजे जी, मैं बताता हूँ। जल्दी बोल। देखिए नंजे जी, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है, जो सच्चाई थी वो मैंने बता दी, और मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि एक बेटी को उसके माँ बाप से मिलाने का पुण्य मुझे मिल गया। क्या मिल गया तुझे? शांति, खुशी और इस मन की तृप्ति। क्यों आपको नहीं मिली क्या? नंजे जी वो आपके रिश्तेदार हैं, आप भी खुशी मनाइए और पूरे गांव में मिठाई बांटिए, और आज मैं चिंटू आपको मिठाई खरीदने में डिस्काउंट दिलाता हूँ। डिस्काउंट दिलाएगा मिठाई खरीदने में? क्या है नंजे जी? मम्मी यही सब तुझे चाहिए था ना, यही सब चाहिए था मम्मी। हाँ मैं यहाँ इतनी तकलीफ उठा रहा हूँ और ये इधर अकेली बैठकर पत्थर के साथ खेल खेल रही है। नंदिनी सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, देखता हूँ रुक तुझे। ए, कौन है रे तू? तुझे क्या दिख रही हूँ मैं? मम्मी सेम टू सेम रजनीकांत की तरह लग रही है, और इसी वजह से हमारे मनप्पा जी बेटी के वापस आने की खुशी मना रहे हैं, और तुझे लाकर उनको सौंपने की वजह से तेरे कमीने मामा नंजे गौड़ा ने मेरे गाल पे कितना जोर से मारा, ये देख लाल निशान हो गए हैं। ओहो तो तू ही मुझे यहाँ लेकर आया था? हाँ मैं ही, इस गांव का चहिता छोटा चिंटू। वो सब तो ठीक है, तू हमारे मनप्पा जी की बेटी है ये मैंने कैसे पहचाना, जानती है? वो तेरे पीठ पे जो नंदी का गोदना है उसे देखकर। अबे छोटा चिंटू तूने मेरी पीठ क्यों देखी? अरे मेरी बात तो सुन। अरे लग रहा है पहले लाल निशान है। गधे बेवकूफ, हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद तुझे अपने रास्ते जाना चाहिए था ना। दुनिया में न जाने ऐसे कितने लोग मिलते हैं, तो वो सबके सब मेरे माँ बाप हो जाएंगे क्या? हाँ चल निकल अब। तेरे पैर पड़ता हूँ, मैं कहाँ फंस गया रे। अरे मामी सुनिए, परोसी हुई थाली को देखकर ही अपना पेट भरने वाले हैं क्या? अरे थोड़ा रुक जाओ ना, नंदिनी को भी तो आने दो। बेटी तेरे आने से पहले ही बैठ गया था मैं खाना खाने के लिए, गलत मत समझना बेटी, मुझे डायबिटीज है ना,
इसलिए ये रागी खा रहा हूँ बेटी। जल्दी ले, खिला खिला खिला। और रागी मुझे दे दे। तुम्हें भी चाहिए ना। नंदनी बेटा, अब अच्छे से खाना। हाँ। अरे अरे ऐसे नहीं खाते, अब मैं खिलाती हूँ। खा लो। अरे चबाना नहीं, इसे निकल जाओ। निकल जाओ। अरे बेटी क्या हुआ? रुको रुको। ए लक्ष्मी जल्दी आ, मुझे थाली दे और उसे पानी दे दे। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाती हूँ। कोई बात नहीं, इसे सांभर के साथ खिलाओ। स्पून दो। स्पून स्पून अब यहीं पर है। आराम से खाओ बेटा। क्या सब लोग दांत दिखा रहे हो? क्यों हंस रहे हो यहाँ पर? चलो निकलो यहाँ से। क्या हुआ बेटी, पसंद नहीं आया क्या? जब तू छोटी थी ना तो इसे घी के साथ मिलाकर गुड़क करके निगल जाती थी। ये नहीं, चावल। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चावल परोस परोस। हाँ चावल परोस। चावल हाँ। और वो कौन खाएगा? इसे मैं खा लूंगी। लेकिन वो तो झूठा है ना। जब तू मेरे पेट में थी मैं जो खाती थी वो तुझे लगता था, और अब जो तू खाएगी वो मुझे लगेगा। अगर तू नहीं खाएगी तो मेरे गले से कुछ नहीं उतरेगा। ये रसम खास तेरे लिए बनाया। ओम नमः शिवाय। अरे बेटा तुम आ गए क्या? हाँ। डैडी जी आशीर्वाद दीजिए। पिताजी आशीर्वाद दीजिए। आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव, तू लंबी आयु जिएगा बेटा। अब बैठ जा। पापा आज का नसीब खोलने वाला खेल क्या है? आज नसीब के स्वामी शनि की चाल धीमी है, इसीलिए रम्मी नहीं, आज सिर्फ एक ही खेल होगा। वो क्या? ओनली थ्री कार्ड। लेकिन पापा आपको कैसे पता चल जाता है कि आज कौन सा पत्ता जीतने वाला है, बताइए ना। इसे अनुभव कहते हैं बेटा, अनुभव। ये भी एक अनोखी कला है। इसमें जातक की राशि के अनुसार जातक की दिनचर्या की गणना की जाती है। पिछले 50 सालों से मैं यही करता आ रहा हूँ, इसीलिए कभी नहीं हारा। और इसी कला की वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, तेरी माँ की और मेरी शादी भी इस पत्ते की वजह से ही हुई। मैं भी इस पत्ते की वजह से ही पैदा हुआ हूँ क्या? ये कला है बेटा, कला। बेटा मम्मी मैं पैदा कैसे हुआ था ये बताइए ना। दिन भर खेलने से मन नहीं भरता था तो रात में भी पत्ते खेलने चल देते थे, इसलिए एक दिन पत्ते उठा के मैंने बाहर फेंक दिए, तब तू पैदा हुआ। अच्छा तो ये बात है दीदी। तो उस दिन के बाद से जीजा जी का पत्ते का खेल खेलना तो छूट गया होगा। ऐसा मनहूस खेल छूटना आसान थोड़ी है। हाँ। फिर से खेलना चालू कर दिया। मम्मी अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे बहन और भाई भी पैदा हो जाते ना। नहीं बेटा तू अकेला ही काफी है। पापा आपने ऐसा क्यों किया, पत्ते खेलना छोड़ देना चाहिए था ना। ए तू बहुत होशियार हो गया है। मैंने ना? ऐसा क्या किया दीदी? वो भूल गया तो तू उसके हिस्से का दूध गटक गया है ना। मम्मी मैं पीना भूल गया था। प्यार कीजिए ना। मेरे तो सोना बेटा, वक्त पे खाकर सेहत पर ध्यान देना चाहिए बेटा। आशीर्वाद भी दो। पापा आज का हुक्म कौन सा है? रानी पे भरोसा मत करो, राजा को छोड़ो मत, गुलाम सिर्फ एक बार काम में आता है। ये मेरे लिए था। पापा वो कैसे? अजीम प्रेम जी, अक्षय कुमार, अडानी, अंबानी, इन सबके नाम में पहले क्या आता है? इसलिए बेटा हमने तेरा नाम ए से रखा है। जीजा जी मेरे चाचा के बेटे का नाम भी ए से शुरू होता है। क्या करता है वो? मर्डर किया था जेल में। इधर आओ। किसकी बाइक है ये? तेरे पापा की, भूल गई क्या? की कहाँ है? की लाती हूँ। ये लो बेटी। अरे अरे तू इसे चलाएगी बेटा?
देखती जाओ। और पैसे डालू क्या? पहले पैसे डाल, बाद में दिखाऊंगा पत्ते। ये ले 5 रुपए। चल फिलहाल के लिए इतना काफी है, देख ले पत्ते। ठीक है ठीक है ठीक है। मम्मी मुझे लगता है ये जीत गया है। शो कर बे। पहले तू शो करना यार। अजीम प्रेम जी, अक्षय कुमार और अडानी, अब तू दिखा। इसकी तो उड़ जाओ रे सब लोग, चलो। अरे रे, क्या करता हूँ, छोड़ छोड़ के जाता है, समझ में नहीं आता क्या करता है। ए गुलाम, ए तुझे बुला रहे। तुझे बुला रहा हूँ कमीने। मुझे बुला रहे? देख, मेरा बाप राजा, मेरी माँ रानी। हाँ हाँ। और मैं इक्का। हाँ? अब बचा कौन? गुलाम। वो तू है। हाँ? ये ले गुलाम अपनी तनख्वाह। इतनी कम तनख्वाह? इतनी ही मिलेगी क्या? इतना ही दे सकता हूँ। चलो रख लेता हूँ, कोई बात नहीं। और कोई ग्राहक नहीं है क्या? मुझे लगता है कि पत्ते। ये बेवकूफ इधर ही है क्या? अगर इसके साथ मैंने पत्ते खेल लिए तो ये मुझे आज भी कंगाल कर देगा। खेलने का मन तो है, लेकिन मेरे पास जो पैसे हैं वो मेरे बाप के हैं। कह रहे तेरा भांजा। क्यों बे, आंख में कचरा चला गया क्या? दिखाई नहीं दे रहा है इतना स्टाइलिश बंदा। अच्छा बता, खाना खाएगा क्या? हाँ, तेरी बातों में मैं नहीं आने वाला। अरे कुछ भी करके रोक उसे। अबे ओए, कहाँ जा रहा है? रोक, क्या जा? मुझे नहीं खेलना। चला गया क्या? हाँ भांजे, चला गया। अच्छा हुआ वो चला गया भांजे। वो क्यों? मुझे लगता है आज गुरुवार है। आज 1:30 से 3 बजे तक क्या है? राहुकाल। राहुकाल है ना? राहुकाल में राशि फल और वो दूसरा फल गुरु फल। राहुकाल में कोई फल नहीं मिलने वाला, सब बर्बाद हो जाएगा, कहा था ना उन्होंने। तो मतलब राहुकाल में नहीं खेलना चाहिए क्या? नहीं नहीं, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो अच्छा ही हुआ चला गया। अच्छा अपनी जांघें जरा बढ़ा। सर अकेले जा, वो बेवकूफ वहीं पर है। देखता हूँ कि आज तू मुझसे कैसे जीतता है। ए अंदानी, आज फैसला हो जाएगा। क्यों बे, वापस क्यों आया तू? अरे इतनी जल्दी बाजार जाकर क्या करूंगा, एक हाथ मारते हैं, देखते हैं क्या होगा। ए रमेश, अभी अभी पेट भर के खाना खाया हूँ, थोड़ा आराम करके खेलता हूँ। तो निकल। ऐसा नहीं चलेगा, अभी खेलना पड़ेगा। अभी? हाँ ठीक है, फिर खेलते हैं। अरे भाई हा? अभी नहीं, आप सिर्फ 10 मिनट रुक जाइए, बस राहु काल चला जाए उसके बाद खेलते हैं। ऐसे नहीं चलेगा, मैं चलता हूँ। रुक जा, ठीक है खेलते हैं। कौन सा खेल खेलना है? अंदर बाहर। भांजे ये तो रॉन्ग है। क्यों रे? याद है ना आपके पापा ने क्या कहा? क्या था? कहा था? उन्होंने सिर्फ 3 कार्ड खेलने के लिए कहा था। बेचारा रमेश अपना आदमी है रे, जीतने दे इसको। तो खेल के हार। रमेश कट करो, लो कट करो। हाँ अब पैसे डालो, ये ले पकड़, हाथ लगा। अरे भांजे पैसा बराबर डालना, चश्मा पहन लो। बोल ट्रम क्या रखना है? नैला रख ले। अच्छा नैला रखना है। उधर मत आ, इधर आना। उधर मत आ, इधर आना। उधर मत आ। या ओह, एक हाथ और, एक हाथ और। हाँ ठीक है ठीक है, ले काट दे। अरे काट दे ना, अरे उल्टा पुल्टा मत कर। हाँ अब ठीक है, अब बता ट्रम क्या रहेगा। चल पैसे डाल। हाँ पैसे डाल, पूरे डाल। इस बार किस पे लगा देता हूँ? फिर से नहला। नहला नहला। आजा 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 आजा, कैसा था? ठीक है ठीक है ठीक है, आजा आजा आजा, एक दम और खेलते हैं। आजा 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 आजा। ए पैसे है ना? है ना, पूरे 10 रुपए जो मेरी तनख्वाह है। पास बंद कर। लगता है कुछ बचा ही नहीं। सब खाली हो गया क्या? यार रमेश। हाँ मालिक। तू भी क्या याद रखेगा यार, चल चल कट कर। इस बार ट्रम कार्ड क्या होगा? अभी भी वही है। नहला पर तेरा, मेरा, तेरा, मेरा। चल चल। अभी डाले में। ओलंपिक गेम्स में अगर पत्ते का खेल होता तो गोल्ड, डायमंड सारे तुझे मिल जाते भांजे। गाड़ी क्यों रोक दी? गुलाम। हाँ
उधर देख। लिट्टी चोखा खाने वाले गांव में पिज्जा बर्गर। ये किसी एक कंपनी का बनाया हुआ नहीं लगता। 10-15 कंपनी के स्पेयर पार्ट लेके गैरेज में फिट किया हुआ लेडी बुलेट है ये। भांजे क्या कमाल की चीज है। कौन है भैया? भांजे इतनी सुंदर लड़की, वो भी हमारे गांव में। इसका एड्रेस तो पूछना ही पड़ेगा। उसी से जाके पूछ लेता हूँ। अगर उसने अपने बारे में नहीं बताया तो मैं उसके बुलेट के सामने लेटकर अपने जान देने की धमकी दे दूंगा। ऐसा करने से तुरंत उसका दिल पिघल जाएगा। तू ज्यादा सोच रहा है भांजे। आपका पैसा और मेरा दिमाग फिर इसका। अरे रे क्या सोच रही है तू? यही ना कि इस घर में नहीं रहना चाहती? आजादी से घूमने वाली शेरनी थी और यहाँ आने के बाद ये प्यार, रिश्ते, नाते, इन बंधनों ने तुझे बांध दिया। वो सब जाने दे। ये लोग क्या लगते हैं तेरे? तेरे माँ बाप हैं? नहीं, श्रीधर तेरा बड़ा भाई था। तेरे लिए उसने अपनी जान दे दी और उसके लिए तूने क्या किया? इस नरक में रहने से अच्छा है कि जो मर कर स्वर्ग में गया है उसके बारे में सोच और उसका एहसान चुकाने की कोशिश कर। मुझे अभी के अभी बैंगलोर जाना होगा। रागिनी, अपने बड़े भाई का बदला लेने जा रही है? तेरे पास बदला लेने के लिए बचा ही क्या है? सिर्फ गुस्सा, इतना ही ना? युद्ध से पहले सैनिक बनना पड़ता है, शस्त्र जमा करने होते हैं, षड्यंत्र रचना होता है और उन सब में वक्त लगता है। इसलिए थोड़े दिन यही रह, फिर तैयारी के साथ जाना। सुनिए जी। हाँ बोलो सुशीला। आज से 16 साल पहले हुए विष्णु उत्सव में हमने अपनी नंदिनी को खो दिया था। हाँ सुशीला, सब कुछ होने के बाद भी अभाव में कैसे अनाथों की तरह पली बड़ी होगी हमारी बेटी? सही वक्त पर हम लोग अपना कर्तव्य ही नहीं निभा पाए। उसे माँ बाप, घर परिवार का प्यार बिल्कुल नहीं मिला। वो इन सब से महरूम रही। हाँ, वो बहुत जिद्दी थी बेचारी। जब वो बड़ी हो गई तब उसके लिए हम ढंग से पूजा भी नहीं करा पाए। सुनिए, मैं सोच रही थी किसी अमीर लड़के से इसकी शादी करा देते हैं। अमीर लड़का ही क्यों चाहिए सुशीला? उस भगवान ने हमें किस चीज की कमी रखी है? उसके लिए एक अच्छा और योग्य लड़का चाहिए। ऐसा लड़का जो घर के बेटे जैसा हो, जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए और हमारी बेटी नंदिनी को भी खुश रखे। ये भी सही है। कितने सालों तक हमने उसकी जुदाई सही है सुशीला। वो हमारी आंखों के सामने रहनी चाहिए। वो शादी के बाद अपने पति के घर चली जाएगी तो मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगा। सच कहूँ तो मैं भी ये सह नहीं पाऊंगी। सुनिए जी, शादी में किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, पहले कह देती हूँ। ये तो मुझे बोल रही है। सिर्फ शादी नहीं, बेटी के बच्चों के नामकरण तक जैसा तू चाहेगी वैसा ही होगा, देख लेना। पूरे धूमधाम से करूँगा सब कुछ मैं। हाँ, मुझे आज भी याद है जब वो पैदा हुई थी, पूरे गाँव ने उत्सव मनाया था। नंदिनी के खोने से हमारे जीवन की खुशियाँ चली गई थी, लेकिन माता रानी ने वो खुशियाँ दोबारा दे दी। हाँ सुशीला, जिंदगी के आखिरी समय में ही सही चाहे, लेकिन आंखों के आंसू पहुँचने के लिए किसी को तो भेज दे उस चामुंडेश्वरी देवी ने। आप संदेशा भिजवा देते तो मैं खुद ही आपके पास आ जाता। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। क्या मनप्पा जी, हम आपके घर नहीं आ सकते क्या? अरे रे रे रे, ये आप क्या बोल रहे हैं?
ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप लोग हमारे घर पधारे, और अतिथि तो भगवान का स्वरूप होते हैं। ठीक है, मैं सीधा मुद्दे पर ही आता हूँ। उत्सव धूमधाम से होना चाहिए, क्योंकि 16 सालों में एक बार ही आता है ये उत्सव। जब नंदिनी थी तब उत्सव मनाया था। उत्सव के दिन ही वो खो गई थी। सुशीला, 16 सालों के बाद उत्सव के ठीक एक महीना पहले वो आ गई है, मतलब ये शिव की इच्छा है। हाँ, ये बात तो है। सही कहा आपने, इसलिए इस बार उत्सव में जितना भी खर्चा आएगा वो सारा मेरी तरफ से होगा। अरे रे, सब शिव की इच्छा है, हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, जो आप कहेंगे वही होगा। नंदिनी आ रही है, आ जाओ बेटी। हाँ, ये है मेरी बेटी, ये बेटी से कहीं ज्यादा मेरी जिंदगी है। बेटी, ये हमारे धर्माधिकारी हैं, श्री नंदराज जी। अरे, नमस्ते करो ना उनको। करो ना बेटी। नमस्ते बेटी। ये मंदिर के पुजारी हैं। नमस्कार बेटी। ये सब लोग आसपास के गांव वाले हैं। सुशीला, हा? पैसे तो लेकर आओ। कितना? पूरे 5 लाख रुपए। ठीक है। हो गया है। ये लो, पैसे लेकर आओ। कितने? पूरे 5 लाख। कहाँ से? वो अंदर तिजोरी है ना, उसमें से। जाओ। अगर ये सब लेकर मैं भाग जाऊं तो कैसा रहेगा? नो नो नो, फिलहाल नहीं। तुम जाके खुद अपने हाथों से धो ना, और सुनो, साथ में पाँव भी छू लेना। भगवान भला करे, हम चले हैं। हाँ हाँ, ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। अरे, ऐसे कैसे जा सकते हैं, भोजन का वक्त हो गया है, आप लोग भोजन करके जाइएगा। आइए आइए, अंदर चलिए चलिए, आप लोग भी आइए ना, आइए सब लोग आइए। चलिए। ओम मुक्तानां परम गतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नरसिंह वपु श्रीमान केशवः पुरुषोत्तमः। नंदिनी, नंदी से आशीर्वाद ले लो बेटी। सर्वः शर्वः शिवः स्थाणुः भूतादि निधि अव्ययः संभवो भावनो हर्ता प्रभवः। अब इसके साथ शिव का आशीर्वाद हमेशा रहेगा। हाँ, सही कहा। जय शिव शंकर। ए सोमा। जी मालिक। इन तीनों की लाशें इसी मंदिर में गिरनी चाहिए। ठीक है मालिक। खुश रहो, खुश रहो। सुरेशः शरणम् सर्व विश्वरेताः प्रजाभवः असवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्ध सिद्धिः सर्वादिः अच्युतः वृषाकपिः। बाहर जाकर भगवान की प्रदक्षिणा कीजिए और फिर घर जाइए। ठीक है स्वामी। Yeah!
सोनू यहाँ से निकलने में ही भलाई। मौत को कभी बुलाना नहीं पड़ता, वो खुद चली आती है। मेरी नजर तुझ पर हमेशा रहेगी और मेरी नजर तुझ पर तब तक रहेगी जब तक तेरी मौत नहीं आती। और मौत के बाद क्रिया कर्म भी करूंगी। हाथ नीचे है तो नंदिनी हूँ, हाथ उठा लिया तो शेरनी। हेलो कृष्णा भैया, मैं रागिनी। कौन कृष्णा? रॉन्ग नंबर डायल किया है, नंबर चेक करो। हेलो हेलो कौन? मैं रागिनी हूँ कृष्णा भैया। रागिनी, तू अभी तक जिंदा है? जिंदा हूँ भैया, आप कैसे हैं? मेरा छोड़ बहन, तू जिंदा है ना, मेरे लिए वही काफी है बहन, वही काफी है। तुम कहाँ हो अभी? चंदौली नाम का एक गांव है, वहीं किसी के घर पे हूँ। ये घर वाले मुझे अपनी बेटी समझते हैं। तू बहुत किस्मत वाली है बहन। लेकिन मैं उनकी बेटी नहीं हूँ ना भैया, उनसे जो प्यार मिल रहा है ना उसे अपना पा रही हूँ ना ठुकरा पा रही हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। माँ बाप का प्यार मिलना किस्मत की बात होती है, और फिर हमारे फील्ड में अनाथ ही पैदा होते हैं और अनाथ ही मर जाते हैं। ये चांस कभी मत खोना रागिनी, तुमने बहुत कुछ सहा है, अब माँ बाप का सुख क्या होता है ये महसूस करो। कल को अगर उन्हें पता चल गया कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ तो उनके दिल को कितनी ठेस पहुँचेगी, ये बहुत ही अच्छे लोग हैं। कल के बारे में सोचकर तुम आज की खुशियों को खराब मत करो। लेकिन भैया, मेरे यहाँ रहने की वजह से इन लोगों को भी खतरा हो सकता है। तुमने बहुत लोगों की जान ली है, अब किसी की जान भी बचा, मन को सुकून मिलेगा। ठीक है भैया, अभी कहाँ हैं आप? हेलो, रो क्यों रहे हैं आप भैया? एक दिन तेरे घर आऊंगा ना तो मुझे खाना खिलाएगी ना। आप कैसी बातें कर रहे हैं भैया? किसके साथ मोबाइल पे बात कर रहा है? ये मोबाइल किसने दिया तुझे? हेलो कृष्णा भैया, हेलो किससे बात कर रहा था? किसने मोबाइल दिया? ए, क्या ये हुकुम है क्या? इस पे अपने ऑटोग्राफ दे दीजिए भाई। ऑटोग्राफ? ये लो, आंखों से लगा लो। भाई हाँ, आपको किसी ने उपाधि नहीं दी क्या? क्यों नहीं दी, पिछली बार मांडे स्पोर्ट्स क्लब टूर्नामेंट में जब मैं जीता था ना तो कलयुगी शकुनी की उपाधि मिली थी। तो उस समय आपने इंटरव्यू में क्या बोला था? अच्छा, इंटरव्यू में? स्कूल कॉलेज में खेल कूद के ऊपर जैसे एक पूरा सब्जेक्ट होता है ना, वैसे ही पत्ते खेलने के ऊपर भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। भैया आप महान हो भैया। अच्छा तो मैं चलता हूँ भैया। लगे रहिए आप, लगे रहिए भैया। भाई सुपर है, ऐसे वैसे नहीं है वो। नहीं भाई, यहाँ पर बैठे हैं। गुलाम कहाँ गया था रे इतनी देर से? खाने पीने के पैसे भी चले गए, इसलिए यहाँ बैठ के पूजा कर रहा हूँ। एक भी ग्राहक नहीं आया। वो सब जाने दो भाई। हाँ। ये छोटा चिंटू है। हाँ। पास के गांव में इसका बड़ा सा होटल है भांजे। तो मैं क्या इसके लिए बकरा काटू क्या? कुछ बोलो मत। हाँ। मैं खुद काटता हूँ और मटन सांबार को सूप की तरह बनाता हूँ। कभी ने चेहरा तो दिखा। हाँ। भांजे, वो गांव वाली पिज्जा, वो पैंट शर्ट वाली, उस लड़की को लाने वाला यही तो है। नमस्कार 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 सर। सर को चेयर दो सर। मैं बैठता हूँ। हाँ। ये कैसे बैठ गए? स्टाइल सही नहीं है। अभी सही है। गुलाम, ये देखने में खुद सेक्सी लड़की की तरह दिख रहा है। भांजे ऐसी बातें मत कर, तुझे लोग कुछ और समझ जाएंगे। टॉपिक पर आ। अच्छा ये बता, तुम्हारे गांव में एक लड़की पैंट शर्ट पहन के बुलेट चलाती है, वो कहाँ मिलेगी? अच्छा उसके लिए मुझे बुलाया है क्या?
अरे यार तू गाल पे ऐसे हाथ रख के क्यों बैठ गया? तुझे अभी तक कुछ पता नहीं है, उसने मुझे इतना जोर का मारा कि मेरे दांत लूज हो गए हैं। मेरे होटल में बनने वाला चिकन मटन मैं खुद ही नहीं खा पा रहा हूँ, जो मिलते हैं वो मुझे मार कर जाते हैं। मैं वैसा नहीं करूँगा यार, मुझे तुझसे मतलब नहीं है। मुझे तो वो बुलेट वाली चाहिए, वो कहाँ मिलेगी? अच्छा अच्छा बैठो बैठो बताता हूँ। अरे बैठो ना बताता हूँ। लेकिन देखो भाई, अगर उसके बारे में जानना है ना तो मुझे सिर्फ 3 क्वार्टर मिलेगा। 3 क्वार्टर क्यों? देखो भाई, पहला क्वार्टर मेरे मसूड़ों में होने वाले दर्द को भूलने के लिए, दूसरा क्वार्टर सच्चाई को बाहर लाने के लिए, और तीसरा जो बातें पेट में हैं उन्हें ऊपर लाने के लिए। गंदे गंदे इशारे मत कर, आगे बता। तुम लोगों ने वो कहानी तो सुनी होगी ना, जिसमें एक कौवा घड़े का पानी ऊपर लाने के लिए उसमें पत्थर डालता है ना, बिल्कुल उसी तरह हम पेट की बात ऊपर लाने के लिए उसमें क्वार्टर डालते हैं। तू बार बार पैर ऊपर मत उठा, मेरा मन धो। मेरे पैर उठाने से इसको क्या होता है? सुनो मेरे भाई, वो मिलेगी कहाँ? वही क्वार्टर, 3 क्वार्टर बता दूंगा, जल्दी से मंगा लो ना। फुल फोटो लाने को बोल भाई। 1 क्वार्टर एक्स्ट्रा क्यों? अगर अपन थोड़ा भी खुश हो गया ना तो नीचे से ऊपर तक अभिषेक करवा देगा। देख मेरे भांजे का दिल कितना बड़ा है यार। अरे देख बेटा ये क्या बोल रहा है, एक फुल बोतल लेके आ जा। फुल बोतल, ए जल्दी से फुल बोतल लेके आ बे। रख दे जल्दी से बोतल रख दे। ये ले गटक जा। ए भगवान, ए साइड हो जा, मैं खुद अपना पैक बनाऊंगा। ग्लास नहीं चाहिए। ए, पानी तो डाल। अरे देखो ना भाई, पानी डालेगा तो ठीक से चढ़ेगा नहीं, ऐसे ही पीने दे। देखा क्या बोला? तू तो छोटे बच्चों के दूध पीने के जैसा पी रहा है। पीले पीले, हमें तो बुलेट की सवारी करनी है। हाँ जी, ये तो पूरी बोतल पानी की तरह पी रहा है। भांजे मुझे लगता है काम हो गया, इसको थोड़ी थोड़ी चढ़ गई है। पी लेता हूँ। पी ले, गटक जा, गटक जा। कुछ भी हो जा, बुलेट तो उसके पीछे बैठ के जाना ही है। तेरा पीछा ना मैं चढ़ूंगा तो। थोड़ा थोड़ा सच ऊपर आते जा रहा है। आंदे, 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 आंदे। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तुमको जो चाहिए आ रहा है। देखना भांजे, थोड़ी देर में ये पूरा सच अपने मुंह से उगल देगा। मेरा नाम तिरुमल रेड्डी है, बिल्डर हूँ। सुना है मैंने। सर, बेंगलोर में कुल मिलाकर मेरे 4 प्रोजेक्ट शुरू होने वाले, इसलिए मुझे 2500 ट्रक रेती की जरूरत पड़ सकती है। अरे यार, इतनी सारी रेती कैसे सप्लाई करेंगे? हाँ, हो जाएगा। सर, अगर आपने सही समय पर रेती नहीं दी तो मेरे प्रोजेक्ट्स फंस सकते हैं सर। हम नंजे गौड़ा हैं, जहर पीने से भी नहीं डरते। जुबान से जो निकल गया उसे पूरा करने के लिए खून की नदियां बहा देंगे हम, लेकिन जिसने हम पर भरोसा किया है उसका सिर नहीं झुकने देंगे। क्या बात है, मानना पड़ेगा आपको। सिर्फ आप ही नहीं, इस नंजे गौड़ा को हर कोई मानता है। सिकंदर जी। सर, सर अब ये एडवांस, आप रेट जो मार्केट रेट है उसे थोड़ा कम दे दीजिए। सर आप देख लीजिए, ये भी आप ही की तरह असली है ना? नंजे जी, मैं भी बात का पक्का आदमी हूँ। ये सही कहा आपने। सोमा मालिक, ये ले पकड़। सर अभी मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी जा रहे? रुकिए, कम से कम हमें मेहमान नवाजी का मौका तो दीजिए। सर अगर टाइम मिला तो अगली बार ये मौका भी जरूर दूंगा। अच्छे के साथ है, कोई सिकंदर चलो। ए सोमा, दिखा जल्दी। मालिक, इतनी सारी रेत सप्लाई कर पाएंगे ना? जब कह दिया है तो कह दिया है, ये दिमाग किस दिन काम में आएगा? वो कैसे होगा मालिक? हाँ, अरे नदी के किनारे याद है वो जो मैदान है जिसे मनप्पा ने जानवरों के चरने के लिए छोड़ दिया है, हम वहाँ से रेती उठा लेंगे और नदी से पत्थर निकालकर वहाँ डाल देंगे। बस हो गया, फिर ठीक है। आज से पहले वो जमीन उसकी थी, पर आज से वो जमीन हमारी है। कैसा रहा? कड़क। मालिक, मालिक क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? वो नंजे घोड़ा आपकी जमीन से लॉरी में डंपर में रेती भर के ले जा रहा है मालिक। कौन हो तुम लोग, मेरी जमीन से रेती क्यों निकाल रहे हो तुम? ये काम रोक दो फौरन और हटो, ये जगह खाली करो। चलो देख के रहो, चलो जाओ यहाँ से। क्या देख रहे हो तुम लोग, इसने आकर बोल दिया तो काम बंद कर दोगे? अपना अपना काम करो। क्या बकवास कर रहा है? क्या कर रहा है? रोक फौरन, बंद कर अपनी इस गाड़ी को। यहाँ से है तेरी तो मुझे बोल रहा है। चल। पापा संभल के। अरे जल्दी करो, बैठ जाइए।
मेरे बाप को धक्का किसने दिया? मैंने, क्या कर लेगी? जाएंगे क्यों बे? तूने मेरे आदमियों से झगड़ा किया? हाँ किया। अच्छा नहीं किया। मेरा गुस्सा, मेरी जिद और मेरी दुश्मनी कुछ भी अच्छा नहीं है तेरे लिए। और जो तू कर रहा था वो सही है? ए मनप्पा, वो जमीन इस वक्त तेरे किसी काम की नहीं है। मैंने वहाँ पर सिर्फ रेती रखी है जिससे मैं कुछ कमाना चाहता हूँ। किसने कहा तुझसे कि वो जमीन किसी काम की नहीं है? गांव के सारे जानवर वहीं चरने जाते हैं, पता है ना तुझे? खुद को बहुत बड़ा धर्मात्मा समझता है क्या? अगर चाहिए तो उसमें से तुझे हिस्सा मिल जाएगा। हिस्सा? हाँ। ए, बाप की कमाई से अपना पेट भरने वाला इंसान नहीं हूँ मैं, ये याद रखना। अगर नहीं चाहिए तो मुंह बंद करके चुपचाप रहो, और कह देता हूँ मेरे रास्ते में मत आना। मैंने बिल्डर को जुबान दी है, अगर पूरा नहीं किया तो इज्जत चली जाएगी। तेरी है इज्जत कहाँ पे? अरे बुढ़े, मुझे गुस्सा मत दिला। तेरा एक पैर पहले से ही कब्र में लटका हुआ है, मुझे यमराज बनने पर मजबूर मत कर। इस औरत के गले का मंगलसूत्र कुछ दिन और इसके गले में रहे, इसीलिए मैं आज तुझे छोड़ रहा हूँ। मेरी चेतावनी के बाद भी अगर तूने टांग अड़ाई ना, तो याद रखना मेरे रास्ते में जो भी आता है मैं वहीं रेती में गाड़ देता हूँ। हाँ, अब तू मुझे शांति से अपना काम करने देगा या फिर मरेगा, इसका फैसला तुझ पर है। अरे ओ बहन, समझाओ ना जरा अपने पति को, इन पर धर्मात्मा बनने का भूत चढ़ा हुआ है। हाँ, बड़े आए मेरे साथ खेलने वाले। पीठ दिखाने वाले कायर होते हैं, अगर हिम्मत है तो पलट। क्या बोल रहा था? जान से मारेगा? अगर तुझमें दम है और तू मर्द है, या तुझे ऐसी कोई गलत फहमी भी है, तो सिर्फ इन्हें टच करके दिखा। मेरे पापा ने दहलीज के अंदर पैर रखने से मना किया था। अब मैं जो बोल रही हूँ वो ध्यान से सुन। तूने गली में भी पैर रखा ना, तो पैर काट डालूंगी। हमारे घर की तरफ सिर उठाकर देखा ना, सिर काट डालूंगी। ए, तुझे पता है मैं कौन हूँ? दुश्मन कौन है ये पता चलने के बाद उसे खत्म करना मायने रखता है।
उसकी हिस्ट्री, उसका कैरेक्टर या उसका ब्लड ग्रुप नहीं। तू एक लड़की है ये मत भूल। और तू मर्द है इसका घमंड मत करना। ए लड़की, ये मेरा गांव है। गांव कुत्तों के लिए मायने रखता है, लेकिन शेर जहां जाता है वो वहीं राज करता है। मेरे पास पैसे, ताकत, आदमी सब कुछ है। और मुझे खुद पर भरोसा है। पैसा कभी भी खत्म हो सकता है, आदमी कभी भी बदल सकते हैं, और ताकत कभी भी कमजोर पड़ सकती है। सही कहा ना? गला सूख गया क्या? डर लग रहा है या बोलती बंद हो गई है? डुप्लीकेट, तू अपनी बातों से उन्हें बेवकूफ बना सकती है, उनके दिल जीत सकती है। मैं तेरे झांसे में नहीं आने वाला। तू यहाँ चोरी करने आई है, जिस दिन उन्हें पता चलेगा ना, वो तुझे यहाँ से भगा देंगे और फिर तुझे भूल जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ ऐसे ही रहूंगा। तूने नंदिनी से दुश्मनी की है, पहले तो तेरी हंसी जाएगी, फिर तेरा चैन और आखिर में तेरी जान। बात करते इस हंसी के साथ अपनी एक फोटो खींच कर रख, जब तू मर जाएगा ना तो लोग कहेंगे कि तू हंसते हंसते मरा। चिल्ला मत नंजे गौड़ा, हाथ नीचे तो नंदिनी हूँ, हाथ उठा लिया तो शेरनी। चल फोट यहाँ से। ए, तुझे मैं देख लूंगा। ए, चल फोट। और ठीक है, जाता हूँ। इससे क्या रिश्ता है पापा? वो रिश्ते के नाम पर कलंक है बेटी, कलंक। वैसे तो उसके साथ हमारे दो रिश्ते हैं, एक तेरी माँ का भाई और दूसरा मेरी बहन का पति। वो? हाँ बेटी, यही सच्चाई है। हमें क्या पता था कि वो आस्तीन का सांप निकलेगा। मुझे तो उसे भाई कहने में भी शर्म आती है। हमारी शादी के बाद वो हमारे घर आने जाने लगा था, और फिर उसने मेरी बहन को अपने प्रेम में फंसाकर शादी कर ली और किसी को पता भी नहीं चला। उसके बाद मेरी जायदाद में से मेरी बहन के हिस्से की जायदाद भी उसने ले ली। इससे भी उसका मन नहीं भरा और उसने मेरी बहन को मार डाला। अब वो हमारी बची खुची जायदाद के पीछे पड़ा हुआ है। पापा, जिस तरह किसी चिड़िया के घोंसले में कोई सांप आकर कब्जा कर ले और ये कहे कि ये घर मेरा है, वैसे ही ना? बिल्कुल सही कहा बेटी। लेकिन अब उसकी नजर तुम पर पड़ गई है, पता नहीं वो कमीना क्या करेगा। मम्मी, मेरी वजह से अगर चार लोगों का भला हो रहा है तो वो हारेगा, और अगर किसी का बुरा हो रहा है तो मैं हारूंगी। मालिक जी, इतने गुस्से में क्यों हैं? उस नंदिनी की मैं। आप मन्नप्पा के घर गए थे क्या? अब तो आपको पता चल गया ना कि वो मन्नप्पा की बेटी है। मैंने क्या गलत कहा? वो उसकी बेटी नहीं है। तो फिर वो डुप्लीकेट है। ओरिजिनल नहीं है, ये आप कैसे कह सकते? सोलह साल पहले की बात है। पापा पापा, पैसे दीजिए ना, मुझे बताशे लेने हैं। देख, पहले भगवान फिर खाना पीना, चलो हाथ जोड़ो। लेकिन आपने कहा था कि बच्चे ही भगवान होते हैं। तू बहुत अच्छा बोलने लग गई। देख, आरती शुरू होने वाली है, चल जल्दी से लेकर आ जा, जा। नंदिनी, इनके वंश की वारिस। क्या चाहिए बेटा? बताशे चाहिए। हमारी नंदिनी बेटी क्या खरीद रही है? कुछ नहीं मामा, मैं तो यहाँ बताशे लेने आई हूँ। आप भी बताशे लेने आए हैं क्या? आपने बताया नहीं क्या चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे तो नंदिनी बेटी चाहिए। सुनो, यहाँ के जो बताशे हैं ना, वो अच्छे नहीं रहते, समझ गई? मैं तो तुम्हें वो सामने वाली दुकान से चॉकलेट, रसमलाई और बहुत सारी मिठाइयाँ दिलवाऊंगा। ठीक है मामा। इसी बात पर पप्पी दे दे बेटी। ये तो बहुत ही मीठी है। चलो चलते हैं। मामा, इतनी दूर क्यों लेकर आए हो मुझे? वो ऐसा है ना कि तू आरती से पहले ही अगर इन सारी मिठाइयों को खा लेगी तो सब डांटेंगे नहीं क्या? तो आप क्या करेंगे? अभी बताता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
अभी दिखाता हूँ। देखो मैं अपनी नंदिनी बेटी के लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, इसे अभी मत खोलना, किसी ने देख लिया तो तुम्हें डांटेंगे, इसीलिए यहाँ पे आ जाओ। हाँ आ जाओ, यहाँ पर बैठकर चॉकलेट खाओगी तो तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। आराम से बैठकर चॉकलेट खाना, मैं अभी आया। बेटी चॉकलेट मीठा है ना, तुम अभी चॉकलेट खोल कर देखो कोई पीछे से आ तो नहीं रहा है, तभी खाना। देखो 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 देखो, पलट के देखो। ठीक है मामा। इनकी बेटी गई और वंश का सर्वनाश हो गया। अब आज से मनप्पा की सारी जायदाद का वारिस है ये नंजे गौड़ा। उस कॉन्ट्रैक्टर को रेती सप्लाई करने के लिए मैंने काफी पैसे एडवांस भी ले लिए हैं। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। मैं जो भी काम करने जाता हूं उसके बीच में ये डुप्लीकेट आ ही जाती है। मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा, उसे मुझे मौत के घाट उतारना ही होगा। खत्म कर दूंगा उसे। हेलो डैडी। क्या हाल है बेटे, क्या कर रहा है इस वक्त? खाया हुआ पचा रहा हूँ और पचने के बाद फिर से खाऊंगा। वाह बेटे, बहुत अच्छा कर रहा है। अबे नालायक, मेरे खानदान में पैदा हुआ है सिर्फ इसी के लिए। और क्या करना चाहिए? सुन, जल्दी से अपने गांव आ जा, हमें एक शिकार करना है। शिकार? हाँ। ओके। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, मेरी रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? ये क्या देख रहे हैं? हाँ? वाह वाह वाह। बाजे, कलर को देखने के लिए कलर ग्लासेस लगा लीजिए। ए गुलाम, हाँ? देखना ये गांव की पिज्जा कितना अच्छा स्विमिंग कर रही है। मांजे, इतने दिन हो गए, हम अभी भी इसका एड्रेस नहीं ढूंढ पाए हैं। ए गुलाम, तू पूरी नजर से मत देख, तू ऊपर देख, ऊपर देख, आसमान कितना अच्छा है ना। अब इमेजिन कर कि मैं और वो, हम दोनों डुएट सॉन्ग गा रहे हैं। इमेजिन कर। वाओ वाओ, सुपर भांजे, सुपर था ना। सच बता ना, सच बता ना, क्या सुपर डांस था भांजे? बोलो बोलो बोलो। इसको अगर मैंने बताया तो ये मार डालेगा। ओपनिंग में ही आपको भगा दिया। भगा दिया? हाँ। अरे नहीं नहीं, ये क्या कर रहा है? मेरी बात तो सुन ले भांजे, पहले जाके उसका एड्रेस पूछ लेते हैं, चलो मेरे साथ। अब ये कहाँ चली गई? ये तो गायब हो गई यार। बियर कम है, वेस्ट मत करो। और भी कैंप बने करो। ये कौन है? हमारे गांव में चड्डी बनियान पहनने वाली लड़की कहाँ से आ गई? कम ऑन मैन। ए विलेज ब्यूटी, बदन पे सितारे लपेटे हुए, जाने तमन्ना कहाँ जा रही हो, जरा अपना नाम तो बता दो। बेचारी गूंगी लगती है। तो फिर तो सही है ना यार, अगर हमने कुछ किया तो ये किसी को बता भी नहीं पाएगी। हेलो, मेरे साथ चलोगी क्या? बॉस, हमारे साथ बोलो ना। ठीक है भाई, हमारे साथ। ए सुनना, अगर तू हमारे साथ आएगी तो बाय गॉड तुझे सब कुछ मिलेगा, बहुत मजा आएगा। What do you say, beauty? इस खेल में हारा भी तो जीतने जैसा है। सुपर भाई। गाइस, ये पब्लिक रोड है, सो यहाँ लोग आ जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सो लेट्स गो देयर। वाओ, लेट्स गो।
बॉस फर्स्ट कौन जाएगा बॉस? मैं कैप्टन हूँ तो ओपनिंग भी मैं ही करूँगा। सब आ जाओ। अरे वाह, ऐसी लड़की पहली बार देखी है यार। बात अगर किसी लड़की को छेड़ा या रास्ते में किसी लड़की को परेशान किया ना, तो तू लड़का कहलाने के लायक भी नहीं रहेगा। अरे मेरा घर आ गया। नमस्कार भाई। पूरा बदन दर्द कर रहा है। मेरे डैडी को बताना मत। ठीक है भाई। मालिक, अरे लकी भैया आ गए। Yes. अब, अरे सोमा जी, आज तू भी थोड़ी सी मार ले। रहने दीजिए, मुझे शर्म आती है। कह रहा हूँ ना, थोड़ी सी पी ले। कहा ना, छोड़िए मालिक। अबे चूहे, तू तो शेर जैसे गुर्रा रहा है। अरे बेटे, मैंने तुझे गांव में किस लिए बुलाया है तुझे पता है ना? एक लड़की का रेप करने के लिए। ये क्या, ऐसी बात कोई अपने बेटे से बोलता है क्या? डैडी, पिता के कहने पर श्री राम जी जंगल गए थे। मैं आपके लिए इतना नहीं कर सकता। अब बस लड़की बताओ। आई मीन, हु इज दैट गर्ल? बताता हूँ, आ जा। लेकिन उससे पहले मैं जो तुझे बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुन। इस रेप की कीमत है पूरे 400 एकड़ जमीन, करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात और ढेर सारा कैश। 400 एकड़ जमीन? क्या हुआ, विश्वास नहीं हो रहा है क्या? एक बार उस लड़की का पेट अगर बाहर आ गया ना, तो उसका बाप आकर मेरे पैर पकड़ेगा। फिर मैं उससे कहूंगा, सुन ले, जब तक वो पूरी जमीन तू मेरे नाम लिखकर नहीं देता, मैं अपने बेटे की शादी तेरी बेटी से नहीं कराऊंगा। फिर वो सारी जायदाद हमें लिख देगा। आहा, क्या हुआ? तेरे जैसा बाप कहा और कहा तेरे जैसा बेटा। ऐसे गए गुजरे बाप बेटे कहाँ होंगे। डैड, मैं अभी जाकर काम खत्म कर देता हूँ, जाऊँ क्या? धीरज रख, धीरज रख। सुन बेटे, पहले जरा तैयार हो जा। उसके घर का एड्रेस, जाना कैसे है, वो लड़की सोती कहाँ पे है, सब कुछ हमारा सोमा बता देगा। फिर काम पे लग। डन। इतने दिनों से मैं सारे काम कमीशन के लिए करता था, लेकिन अब। क्यों भाई, तू ठीक है ना? ये कौन है? हाँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। वेंकटेश, तू आज यहाँ जो खाना है खा ले, बिल मैं भरूंगा।
अरे वाह, उतना खाओ, शर्माना नहीं है। अच्छा मैं चलता हूँ। मुझे बटन बिरयानी, तुम्हें भी क्या? बाद में बोलूंगा। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है ये, मैं तो इसे पकड़ के ही रहूंगा। सोमा, इतना टाइम हो गया, मेरा बेटा अभी तक आया क्यों नहीं? अरे वो आ जाएगा मालिक, भूखे शेर को अगर शिकार मिल जाए तो बिना खाए बाहर कैसे आ जाएगा? अबे क्या कह रहा है, इतनी बड़ी रात काफी नहीं थी जो वो सुबह भी? आपने ही तो कहा था हाँ? कि लड़की का पेट बाहर आना चाहिए, तो इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना मालिक? कहा तो था, इस हिसाब से तो उसे ज्यादा टाइम लगेगा। उस बेचारी लड़की का क्या हुआ होगा? अरे सुन सुन, वो मनप्पा के घर पे कुछ हुआ नहीं? नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ। घर में कौन कौन है? घर में मालकिन है। और मालिक? मालिक जी तो खेत पर गए। और नंदिनी कहाँ? नंदिनी जी तो नदी पर गई हुई है। ओ। मम्मी। मालिक वहाँ पर कोई नहीं है, मनप्पा जो है वो खेत पर गया हुआ है और नंदिनी वो नदी पर गई हुई है। ऐसा है क्या? अरे रिंग पे रिंग बजाइए और ये उठा ही नहीं रहा। नहीं भाई, रात को बहुत मेहनत की होगी ना, तो इसलिए थोड़ा सुस्ता रहे होंगे वो। हाँ हेलो, कहाँ पर है तू? जिंदा हो कि नहीं ये पूछने के बजाय कहाँ हो आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो पापा? ए, क्या हुआ, मुझे सारी बात बता। मैं जब उसके घर गया, आई 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 हाय हाय, पूरी तरह रेडी होकर लेटी है। मैं आया जानू, आई खाना तैयार है। कंट्रोल कंट्रोल, पैर ऐसा है तो चेहरा कैसा होगा? जरा पर्दा तो हटाओ। उस दिन भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। उस दिन मतलब? मैं जब गांव आ रहा था तो मेरा हाथ पैर चेहरा वगैरह सब तोड़ फोड़ के रख दिया था। ये वही लड़की थी। हाँ? उसके दिए हुए ट्रीटमेंट के बाद आपका वंश आगे बढ़ेगा या यही रुक जाएगा पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ? मैं मार जाऊंगी, मैं मार जाऊंगी। क्यों मरना चाहती हो तुम? तू नंजे गोड़ा का खून कर देगा। तू चिंता मत कर, मैं उसे मार दूंगा। देख मैं मार जाऊंगी उसे। मार। अरे क्यों जिद कर रही है? उसे मार यार, मैं मार जाऊंगी। अरे चल ना। नंजे गोड़ा को मार। ए लड़की तू सब देख, क्या कर रही है? मार जाऊंगी, नंजे गोड़ा को मारो वरना मैं मर जाऊंगी। ठीक है, मैं नंजे गोड़ा को मार दूंगी, तुम नीचे उतरो। चलो पक्का? मैं कह रही हूँ ना, मैं उसे मारूंगी। चलो नीचे उतरो। अच्छा चल चल। मैं नंजे घोड़ा को जरूर मारूंगी। राक्षस तो लड़की है या राक्षसी, मेरा बेटा गांव छोड़ने पर मजबूर हो गया है। और तू बाप है क्या, दलाल है? हाँ? जो अपने बेटे को एक लड़की के पास भेजता है। ए, क्या बकवास कर रही है? ए, ऐसे हंस क्यों रही है? जिसने सबको धोखा दिया वो चाहे कि लोग उसकी इज्जत करें तो उसे पागलपन कहते हैं। जैसे तू दूध की धुली हुई है, पैदा हुई कहीं और माँ किसी और को ही कह रही है। तो ये सब कुछ इसलिए कर रही है ताकि मनप्पा की ज्यादा धड़प सके। हा? सही कहा ना, डुप्लीकेट। क्या बोला बे? डुप्लीकेट 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 है तू। यस, मैं डुप्लीकेट हूँ। मेरे आने का कारण यही है कि तेरे जीजा की जो 400 एकड़ जमीन है, गहने हैं, करोड़ों रुपए कैश है, ये सब तेरी आंखों के सामने से उड़ाकर ले जाऊंगी मामा। ए, तू इस गांव से बचकर नहीं जा सकती, तेरी लाश जाएगी यहाँ से। मेरी लाश की तो तू छोड़ दे, तेरी लाश का एक भी टुकड़ा यहाँ नहीं मिलेगा। बिन लादेन की तरह कब्र भी नसीब नहीं होगी तुझे। बिना क्रियाकर्म के तेरी आत्मा इधर उधर भटकती रहेगी। अरे तेरी तो क्यों बे, मौत से डर गया क्या मामा?
अगर ऐसा है तो तेरे पास जितने पैसे हैं और जितनी भी प्रॉपर्टी है बस उसी में खुश रहे, और मुझे दोबारा मिल गया तो मार डालूंगी। अबे तुम लोग यहाँ पुतले के जैसे खड़े हो, कोई नाटक चल रहा है क्या यहाँ पे? अरे जाओ मारो उसे। भाई हमें पता होता है कि ये लड़की वही है तो हम आते ही नहीं। तेरी तो सारे के सारे डरपोक हो तुम लोग। ये सब तो पहले ही मेरे हाथों से पिट चुके हैं। वो खड़ा ना वहाँ पीछे, उसे भेजो। अबे उसे, आना, आगे, आना आना जल्दी आ। अरे नहीं नहीं भाई, मुझे नहीं खेलना है, मैं जा रहा हूँ। क्या कर रहा है? भाग रहा है। ए गुलाम, रानी रोज कार्ड में मिलती है यार, लेकिन बुलेट रानी आज तक नहीं मिली। भांजे गाड़ी ऐसे क्यों रोक दी? हेलो गाड़ी आगे लो। भांजे उधर देखो भांजे। क्या है? हमारी पैंट शर्ट वाली बुलेट वाली। हम नसीब के पीछे भाग रहे हैं और नसीब हमारे पीछे पीछे आ रहा है। भांजे अपना ग्लास निकालो और ये ग्लास पहन ले। कलर्स को देखने के लिए कलर ग्लासेस होना जरूरी है। अरे यार ये तो आईपीएस ऑफिसर की तरह दिख रही है। भांजे 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 अपने कान नजदीक लाओ, मेरी बात ध्यान से सुनो। कान में क्या बोलना है बे? इधर आओ, यही सही मौका है भांजे। उसके पास जाकर किस करूं क्या? तू पूरी बात तो सुन लिया करो, पीछे उसके पास जाकर आपके दिल में जो कुछ भी है बोल दो। बोल देता हूं, बोल देता हूं। ए ऐसे नहीं यार, मैं अपने बारे में खुद तारीफ करूं तो अच्छा नहीं लगेगा ना। महाराजाओं के आगे पीछे कुछ तारीफ करने वाले होते हैं ना, वो क्या कहते हैं उन्हें? चमचा कहते हैं। चमचा वो तू है। उसके पास जाके मेरे बारे में फुल ठीक है, जाके सब बोल दूंगा। ए गाड़ी आगे लेना। वो सब तो ठीक है, पर मेरे बॉस आपको बुला रहे हैं, उनको कुछ बात करनी है। वो कहीं का महाराजा है क्या? नहीं, वो आपसे प्यार करते हैं। दुनिया में इससे बड़ा रोग और कोई नहीं है। चल क्या है बे? वो क्या है कि मैं तुम्हें देख के ना थोड़ा इमरान हाशमी की तरह हो गया हूँ। वो सब छोड़ना, बात क्या है वो बोल। इसने बताया नहीं क्या? बताया मैंने। बताया ना इसने, बहुत बड़ा रोग है तुझे। तेरा रंग काला है कोई बात नहीं, बाल भी काले होते हैं, कोयला काला होता है और उसी में से तो हीरा निकलता है। जो मेरा पति बनेगा उसके हाथों में ताकत, पैसों का पावर, ख्याल रखने की समझ और साथ ही साथ दिल में जो है वो कहने की हिम्मत होनी चाहिए। मैं रोज जिम जाता हूँ। वेस्ट है, क्योंकि मैंने जो भी कहा वो सब कुछ तो इसके पास है। आ जा शुना। लेकिन लव तो मैं करता हूँ ना। लव क्या फायदा? बोलने का दम तो नहीं है ना, तो मंडप पे, बिस्तर पे, बच्चे खिलाने के लिए इसे भेजेगा क्या? नहीं नहीं, दैट इज रॉन्ग। संभल कर चला करो। पापा पापा मैं भी आऊंगी। अरे हम कोई गांव घूमने थोड़ी जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं। मुझे कुछ नहीं पता, मैं भी चलूंगी। कहो तो मैं खुद ड्राइव करूंगी। अरे मंडी जा रहे हैं। मालिक मैं उतर रहा हूं। ना जल्दी कीजिए। आजा आजा चला। चले क्या? तू तो ट्रैक्टर भी अच्छे से चला लेती है, तूने सीखा कहाँ पे ये सब? हाँ? पापा फ्लाइट छोड़कर सब गाड़ियाँ चला लेती है। नमस्कार मनप्पा जी। नमस्कार नमस्कार। क्या बात है मनप्पा जी, आपकी बेटी तो ट्रैक्टर चला रही है। एरोप्लेन भी ला के दे दोगे तो वो भी चला लेगी। ऐसा है क्या? मेरे लिए तो यही बेटा है और यही बेटी है। ऐसा है तो बेटे के लिए एक लड़की देखना और बेटी के लिए एक लड़का देख लेना। सब कुछ तुम ही बताओगे या कुछ काम मेरे लिए भी छोड़ोगे? जब सही वक्त आएगा तो सब कर लेंगे, ठीक है? तुझे कोई जल्दबाजी जी तो नहीं है ना बेटी? हैं बोल प्लीज। तो चल चल चलिए मिलते हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा सुन बेटी, आज तू मुझे लेकर जा रही है, मुझे बहुत खुशी मिल रही है बेटी। हाँ, हाँ, हाँ,
आपके पास मेरे बेटे लकी ने भेजा है। हाँ ठीक है, समझ गया। सुपारी खिलेंगे ना? हाँ जी। किसको मारना है? मंडिया जिले की चंदौली गांव की लड़की है, जिसे आपको काट कर टुकड़े टुकड़े करने। ए सत्या, कैप्टन सुना तूने क्या कहा इन्होंने? ये एक लड़की को मारने की सुपारी देने आए हैं, जो हमारे उसूलों के खिलाफ है। गौड़ा जी, आपने हमें समझ क्या रखा है? ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। वो कोई मामूली लड़की नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं उसी के घर में नींद में ही उसे खत्म कर देता। इस डील से हमें क्या मिलेगा? अगर उसे गांव से बाहर निकाल दिया तो 100 एकड़ जमीन। आ? आ? अगर उसे खत्म कर दिया तो 200 एकड़। ओ, ओ। इसके साथ गहने और कैश में भी हिस्सा मिलेगा। ऐसा क्या? सत्या, तू 4 लड़कों को लेकर जा और खत्म कर दे उसे। ओके कैप्टन। जा। अरे अरे, रुको रुको रुको, इन्हें आप वहां मत भेजिए, आप ही जाइए ना बॉस। नमस्कार मनप्पा जी। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं अब आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब इतनी जल्दी रिकवरी कर लेंगे मैंने भी नहीं सोचा था। सुना, डरने की कोई बात नहीं। मैं नहीं डर रहा हूँ डॉक्टर साहब। मेरी बीवी मुझे देख देख के रोए जा रही है, देखिए ना। माता जी, आपके पति आपके साथ 60 साल पूरे करने के बाद सेकेंड टाइम डुएट गाएंगे। डॉक्टर साहब, हमारे गांव में बहुत बड़ी पूजा होने वाली है, अगर ये नहीं रहेंगे तो पूजा नहीं होगी, ऐसा गांव वाले कह रहे हैं। इतना परेशान होने की क्या बात है, आज शाम को ही डिस्चार्ज कर दूंगा। हाँ, सच कह रहे हैं। सुनो बेटी, कैश काउंटर पर जाकर बिल जमा कर दो। पूर्णिमा, लक्ष्मी, फूल लेकर आओ। अरे बाप रे, ये इतना बड़ा कद्दू जलाऊं क्या? जला दूं? हाँ जला तो, जला इसे। बचा लेना शिव जी। ले जा, ले जा, आ, दे ले जा इसे, हाँ ले जा, कर फोड़ दे। शिव शंभो। मम्मी, आप सब लोग ट्रैक्टर में बैठ जाइए, गांव का राउंड लगा के आते हैं। ठीक है बेटा। वैसे भी महिषासुर को जलाते हैं ना, हम वहाँ पर भी तो जाएंगे, तो सब चलो चलो। मम्मी चलो ना, चलते हैं। चलो चलो सब लोग चलो। चलो 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 चलो। पापा एक मिनट आती हूँ। अरे अब ये कहाँ जा रही है? अरे कहाँ जा रही है, बैठ ही रहना, उसे जो पसंद है करने देना। अरे कैंपा इधर आ। क्या हुआ? नंदिनी अंदर क्यों गई है? मुझे कैसे पता होगा यार, तो खाने के अलावा तुझे कुछ पता रहता है? मालिक, ऐसे क्यों चिल्ला रहा है तू? ये मालिक, ये क्या अवतार धर लिया तूने? ड्राइविंग करना आसान होगा ना, इसलिए। अच्छा, देखो, देखो, बात है। देखो रे, देखो मेरी बेटी को देखो। रेडी? ओ, तो तू बच गई थी क्या? और मरने के डर से यहाँ बिल में छिपकर बैठी है? बिल बनाकर छिपकर बैठना चूहों का काम होता है। मैं शिकार करने वाली शेरनी हूँ, शेरनी। मारने के बाद मैंने तुझे छत से नीचे फेंक दिया था, फिर भी तू जिंदा है, आखिर तू बच कैसे गई जाने मन? अपने भाई का एहसान और मेरा फर्ज दोनों चुकाना अभी बाकी है ना। खड़े खड़े देख क्या रहा है, जाके मारना उसे। Oh!
मार डालेंगे। नहीं नहीं। आपके हाथों में तो जादू है, मान गया। तुम्हारे यहाँ बॉडी को दफनाते हैं या जलाते हैं? जलाते हैं बॉस। तो उसकी तैयारी कर लो। सत्या कैप्टन, इस पर साइन करवा लो। कुछ आप ही के नाम पर करना है ना? बिल्कुल सही कहा। अभी करवाता हूँ। मनप्पा जी। सत्या। बेटी उठ जा बेटी। टपकी की नहीं अभी। मनप्पा जी, इस पर जरा साइन कर दीजिए। नहीं करूंगा तो निकल जाए यहाँ से। अरे क्या करेंगे इस जायदाद का, अब इसे संभालने वाला तो कोई बचा नहीं। यहाँ पर मेरी बेटी मर रही है और तुझे जायदाद के पेपर में साइन चाहिए। नहीं करूंगा साइन, चल निकल यहाँ से। मैंने सब बात कही तो गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अरे दीदी, आप ही जरा इन्हें एक बार समझाइए ना कि स्टैम्प पेपर पर साइन कर दे। अपनी गंदी जुबान से मुझे दीदी मत बुला। सुन ले, अगर तूने इन पेपर्स पर साइन नहीं किए तो ये जीके तुम दोनों को जिंदा गाड़ देगा। चल जल्दी से साइन कर दे। साइन कर। राक्षस, थोड़ी शर्म कर। तुझे जायदाद का इतना लालच क्यों है? इन पेपर्स पर मैं साइन नहीं कर सकता। इस पर मेरा अधिकार नहीं है। ये सब मेरी बेटी का है। तेरे को जायदाद चाहिए तो मेरी बेटी के साइन चाहिए होंगे। ये तेरी बेटी है? मेरी बेटी है। इसे साइन करना होगा। ये तेरी बेटी है? अरे ओ पागल, ये लड़की डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट। बेंगलुरु सिटी की बहुत बड़ी चोरनी है ये। तुम्हारी जितनी भी जमीन जायदाद है ना, सब लूटने का प्लान बनाकर आई है। तुम्हें एक बात पता है क्या? आज से 16 साल पहले सारे जायदाद की वारिस तुम्हारी बेटी नंदिनी को जमीन में दफना कर मैंने मार दिया था जीजा जी। पापी, तू इंसान नहीं, शैतान, राक्षस है। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। हट, चल साइन कर, जल्दी कर। Oh!
शांत नहीं हो रही हैं, हल्दी और कुमकुम से उनका अभिषेक कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्तै 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 नमो नमः। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शांत हो जाए देवी, शांत हो जाए। रण चंडी वीर रण चंडी रुद्र रण चंडी हो।